हिंदुस्तान की बात ये हमारी बात होनी चाहिए हिंदुस्तान की अलग बात है वो काफिरों का मुल्क है बात बस ये पाकिस्तान ऐसा ये पूरे मुसलमानों के लिए एक चश्मा है ये छन्ना लेके ना मोदी साहब वो छन्ना लेके मांगना शुरू करते हैं हाय है, मेरे मुझे क्या हो गया मुझे पीक दे दें हम अल्लाह को मानने वाले हैं ठीक है वो बुतों के मानने वाले उनका अलग है प्रोसीजर हम ये कहेंगे ना कि मदरसे बंद हो मदरसे बंद नहीं हो सकते पूरी दुनिया के अंदर मदारस इंशाल्लाह मदारसों का बोल बला होगा हर घर में आलिम हाफिज़ दीनदार ईमानदार निकलेगा इंशाल्लाह मदारस के सारे बच्चों को निकाल कर इनको किसी अच्छे स्कूल में हम डालेंगे गवर्नमेंट के स्कूल को रेनोवेट करके इनको दीनी तालीम भी दी जाएगी लेकिन दुनियावी तालीम भी दी जाएगी क्या कैसी उनकी देखिए ज़रा कैसे उनका माइंड है अपने बच्चों को अपने मुल्क को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए वो उन लोगों की अच्छी सोच है तो यार आपकी वजह से बैठे हैं ना मेरा दिमाग नहीं खराब आपकी वजह से आप बुरे हैं मैं बुरा इसी वजह से हम पर ऐसा हुक्मरान मुसलत हुआ है आप कैसी बात अल्लाह ताला ने जब एक बात कर दी है कि मैंने तुम लोगों को वही हुक्मरान देने जो तुम डिजर्व करते हो आती होती हिंदुस्तान का ये मुकाबला करेंगे ये देखें ये अगर कदम उठाएंगे ना तो हम रोड पे आएंगे इन अल्लाह के फजल कदम से हम हर रोड ब्लॉक कर देंगे इनको पता चल जाएगा कि हम मुसलमान कितने पर जोश है यहाँ पर ब्लॉक करने से क्या होगा उनको तो घंटा फर्क नहीं पड़ना नहीं पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा ये बता रहा हूँ आपको कि जो हालात तो इस वक्त मुल्क के बने में बस अभी कोई हमारा पुरुष हाल भी नहीं है हम लोगों से पैसा खा खा के कर्जा ही हुए हैं बुरी तरह और हमें और मजीद कर्जा ही चाहिए हम ग्रोइंग फेज की तरफ भी नहीं जा रहे ग्रोइंग फेज में आना तो छोड़े तो आज अपने मुल्क को आगे ले जाओ इन्हीं वजह से जा रहे हैं हमारा मुल्क छोटे छोटे मुल्क तरक्की कर गए अफगानिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है अब हमारी करेंसी को वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं टिश्यू पेपर वो तो कहते हैं तुम्हारी करेंसी कुछ तुम्हारे तुम्हारे लीडर ही कुछ नहीं है। का स्वागत है हमारी एक नई रिएक्शन वीडियो में दोस्तों भारत के अंदर जिस प्रकार से मदरसों को मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है और केंद्र सरकार भी कहती है कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके एक हाथ में कुरान होनी चाहिए तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए और इसी को लेकर भारत के अंदर जो सरकारें हैं वो काम कर रही हैं अब इसी को लेकर पाकिस्तान के अंदर इस न्यूज़ को लेकर जो है ना पब्लिक का रिएक्शन लिया जा रहा है और वैसे पाकिस्तान के अंदर थोड़ा तथ्यों को जो है ना तोड़ मरोड़ के ही बातें की जाती हैं तो कुछ इसी प्रकार की बातें इस वीडियो के अंदर की जा रही हैं तो वीडियो पूरी देखना लाइक करना शेयर करना

पूरी दुनिया के अंदर मदारस इनशाला मदारसों का बोल बला होगा हर घर में आलिम हाफिज़ दीनदार ईमानदार निकलेगा इन शह दीन सीखना फ़र्ज़ है दुनियाई तालीम भी हजूर सल्लाया फरमाया अगर दुनियाई तालीम के लिए चाइना भी जाना पड़ेगा अरब से उस वक्त कहा गया ये भी लाजमी है मगर दीन सीखना फ़र्ज है आप देखिए यहाँ ये ये कितने दीनदार है इनमें है कितना अदब एहतरा अगर दूसरे के नसबत से देखें फ़र्क है ये दीनदार है अल्लाह के रसूल का दुन मैं भी हाफिज़ हूँ

वो भी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है अगर देखो लाहौर की बात कोई अगर किसी मदरसे में एक केस हुआ बस मीडिया का काम ही है अब दूसरे जगहों पे देखो ना कितनी बुराई हो रही है मदारस में बुरा मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं इसको मैं दावा दे बच्चों को वह हमारे ये इधर चुबुर्ज में मदरसा इतना शानदार निज़ाम हर इंच पे कैमरा मदरसों में ये केस हो रहा है न होने के बराबर कालजों में देखो कालजों में ऐसे भी कॉलेज है जैसे वो लड़के और लड़कियाँ जैसे मियाँ बीवी की तरह रहते हैं मगर उनका तो नाम नहीं आता ये एक साजिश है मदरसों को जब तक ये बंदा है कोई मदरसा नहीं मिटेगा इन हर घर में मौलवी निकलेगा हर घर में हाफिज़ निकलेगा हर घर में पाकिस्तानी ईमानदार निकलेगा हर घर में बच्चा दीनदार निकलेगा हमारा ये ईमान का हिस्सा हर घर में दीनदार निकलेगा हो सकता है किसी मदरसे में केस हुआ हम नहीं कहते मगर इस तरह केस नहीं होते जिस तरह दूसरे कालेजों में होते हैं सर आप क्या कहेंगे कि क्या के बच्चे तो तालीम भी उनको देनी चाहिए जहाँ पर नाजरा पढ़ाया जाता है अगर तर्जुमे के साथ कोई एंड टेक्नोलॉजी की किताब भी ये तो दीन ने कहा दीन ने कहा जब चैना जाना चैन चैना थोड़ा हफ़्स बनाते हैं वहाँ साइनस दिखाते कहता साइनस के लिए चैना भी जाना पड़े ये, ये फ़र्ज है चाहे दीन, दीन, दीनी तो फर्ज धुनियाई है फ़र्ज फर्ज वो उन लोगों की अच्छी सोच है अच्छी सोच है अच्छी अच्छी सोच है अगर ये वाकई जिस तरह उन लोगों ने कहा है अगर इस तरह हो तो ये अच्छी सोच है तो आपको नहीं लगता है कि जहाँ पर उनकी मुसलमानों की तादाद पैंतीस करोड़ से ज़्यादा है अगर वो इस तरह की फैसिलिटीज उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपको लगता है कि कोई किसी की किसी की मजहबी चीज़ों को आप छोड़ो तो आप वो नॉन मुस्लिम कंट्री है हम मुसलमान है यहाँ पे देखें कि कौन सा मदरसयास है जो दीन और दुनिया सब लेकर चल रहा है हम आज़ाद है ना मुसलमान है यहाँ पे कोई ऐसा मदरसा बताएं कि जो दीन और दुनिया दोनों लेकर चल रहा है नहीं मैंने तो अभी तक सुना नहीं, नहीं, सुना, नहीं देखा लाइट तो हुआ ही नहीं अभी कोई नहीं है इस तरह का है ही नहीं तो ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है हम सिर्फ अपनी ज़ात के मुतल सोचते हैं हम कौम मुलक या इस्लाम के मुतल नहीं सोचते उसकी बेहतरी के लिए हम काम नहीं करते आज देखो ढाई ढाई इंट की मस्जिद जिस बंदे ने बनाई है अपना खुद ख़ुदसाख्त इस्लाम उसने बनाया हुआ है हालांकि इस्लाम इस दुनिया में अल्लाह ताला की जात ने भेजा है इंसान की सहूलत के लिए इस्लामिक मुल्क अगर कुछ करे तो ठीक अगर नॉन मुस्लिम मुल्क कोई इस्लाम के या मुसलमानों के खिलाफ या कोई ऐसी चीज कर दे तो वो गलत है ये देखें उनका मुल्क है वो बेहतर समझते हैं क्योंकि तो इंडिया का मुल्क है इंडिया जो करे नहीं वो कैसे कर सकते हमारा मुसलमान भी तो उधर है ना हमारा थोड़ी है वहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ रह गया उन्हीं का नहीं वो आ भी सकता है ये नहीं की दहशत उधर ज्यादा बढ़ रही है जंग लगी रहेगी अलहमद बेहतर भी हो सकता है बुलाना वो बुला लेते हैं इंडिया ने सारे हिंदुओं को बुला लिया उन्होंने कहा कि यहाँ आओ हम आपको सिटीजनशिप देंगे हमारे हो आप लोग उन्होंने बुला लिया ना पाकिस्तान से भी चले गए तो पाकिस्तान भी मुसलमानों को बुला लें देखे पाकिस्तान में मुसलमान को बुलाएंगे क्यों नहीं बुलाएंगे अलहमद लाला नवाज शरीफ साहब आ गए शुबाज शरीफ साहब आ गए हैं दोबारा इनशाला कुछ सोचेंगे ना हमारे लिए क्यों नहीं सोचेंगे क्यों पता है पहले कितनी दहशत गर्दी उधर इंडिया में हो रही अब क्यों नहीं हो रही मोदी साहब इधर आए हैं ना किस वजह से आए हैं ये चीज लेके आए हैं लगता है कि ये सब मामला तो हम जंग से लड़ाई से सॉल्व कर सकते हैं कि दोस्ती और अमन से सॉल्व कर सकते हैं ये देखे अगर वो जंग से लड़ना चाहेंगे तो हमारा मुल्क जो उससे बड़ा है ठीक है ताकतवर है किस लिहाज से क्यों वो हम मछली नहीं खाते वो गंदी चीजें नहीं खाते हम जो भी खाते हैं ताजी चीजें खाते हैं हमारे सूबे में है, अच्छा, हम है? जी ताकतवर तो फिर वो हुआ है उनके पास तो टेक्नोलॉजी भी है देखें उनके फौजी दो हों तो हमारा अकेला फौजी होता है बॉर्डर में पता चलता है कि जवान खड़ा है

बता के वार नहीं करते हमने ये बता दिया वो सामने फ्रंट पे खड़े होते जो मदरसा के स्टूडेंट है ना सारे मदरसे बंद वो शिफ्ट कर हैं रेगुलर स्कूल्स में अब वो स्कूल की तालीम लेंगे मदरसे में नहीं जाएंगे क्या उन्होंने सही किया ना?

वीडियो पूरी देखी होगी तो आपने इनको सुनाए होगा कि किस प्रकार की बातें कर हैं अब इसके ऊपर क्या बात की जाए इनको बस और क्या है मतलब जज्बे वाली कौम है जज्बे से भरी बातें करते हैं फैक्ट्स और फिगर का दूर दूर तक इनका कोई लेना देना है भी नहीं इनका और इसी प्रकार की बातें जो है ना अक्सर ये वीडियो में करते रहते हैं जबकि भारत के अंदर ऐसा बिल्कुल कहीं पर कुछ भी नहीं हो रहा है सिर्फ सरकार यही कहती है कि भारत के अंदर जो मदरसे हैं वो भी मॉडर्नाइज़ होने चाहिए वहाँ पर भी जो जो कुरान की शिक्षा मिलती है उसके साथ साथ में कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए ताकि वो बच्चा जब पढ़कर बाहर निकले तो उसको ऐसा फील ना हो समाज के अंदर आकर कि वो पीछे रह गया है या उसने जो दुनिया की अदर जो जो शिक्षा है जो साइंस हैं जो मेट्स है, उनकी उन, उसने पढ़ाई नहीं किया ऐसा कुछ भी उसके साथ में ना हो तो इसी को लेकर भारत के अंदर काम किया जा रहा है बाकी आपने वीडियो देखी है अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके जरूर बताना हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद